नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टर। दोस्तों, ये हमारी सीरीज की थर्ड वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं ये स्विंग ट्रेड की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू रख रहा हूँ। सो ये थर्ड वीडियो पे हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, जो इन दी फ्यूचर हम लोगों को 10% तक का रिटर्न दे सकती है, और इस स्टॉक को हम लोग बाय करके चल सकते हैं। प्रीवियस दो वीडियो पे मैंने आप लोगों को पहला स्टॉक जो बताया था सेंचुरी टेक्सटाइल था, उसका टारगेट अचीव कर गया था। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया था अपोलो ट्यूब्स, उसका भी टारगेट अचीव कर गया था। अब थर्ड वीडियो पे हम लोग आए हैं जिसका नाम है TCS, कंपनी का नाम है, और ये मैं आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। ये आप स्विंग ट्रेड के साथ, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 से 3 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है, और एक इवेंचुअली इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है, आ चुका है इवेंचुअली ब्रेकआउट, और बहुत अपनी जो रैली है को उसको स्टार्ट करने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 52 वीक ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी TCS, और यहाँ से इसकी जो रैली आ सकती है बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है। सो मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्यों रैली आ सकती है, टारगेट्स क्या हैं, और लाइफ टाइम हाई के टारगेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने एनालिसिस पे। तो सबसे पहले मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस पे मैं दो इंडिकेटर्स का यूज करने वाला हूँ। पहला होगा मूविंग एवरेज, जो कि मैंने 35 की लगा रखी है, 35 EMA की, एंड दूसरी चीज़ होगी MACD, जो कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 35 EMA की मूविंग एवरेज है, इस पर मैं थोड़ी बहुत स्टडी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि TCS को थोड़ा बहुत, ये मैं आपको बताऊँ तो मान के चलता है, मतलब बेसिकली इसके साथ ही काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद हमने क्या देखा, नीचे आया, रीटेस्ट करा। हमें एग्जैक्ट रीटेस्ट पे अपना शॉर्ट बनाना चाहिए जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, और जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हमें रीटेस्ट पे अपना बाय बनाना चाहिए। यहाँ पर हमने शॉर्ट बनाया, एक शार्प रैली हमें आते हुए देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद इधर गया, एक अपसाइड में इसने ब्रेकआउट दे दिया, दोबारा दोबारा ऊपर गया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करा, हमारे लिए यहाँ पर बाय बनता था। उसके बाद अभी तक ये इसी 35 EMA को होल्ड कर रहा है। देख रहे, जो भी बॉटम्स बनते हैं एग्जैक्ट 35 पे बनते हैं, उसके बाद से एक रैली स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर समझ रहे हैं कितने आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, इसका यूज करिए 35 EMA का, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ एनालिसिस करके कि डेली चार्ट पे हमें ऐसा क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। हाँ, डेली चार्ट पे मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अपसाइड्स को मिलाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पर बॉटम्स को मिलाता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बॉटम्स को जोड़ दिया और उसके बाद मैंने हाईस को मिलाया। सो ये चीज़ मुझे क्या बता रही है कि एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, इस रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के पास ही सस्टेन कर रहा है, ऊपर जाने में इसे थोड़ी सी दिक्कत आई है। ऊपर गया था बट मार्केट जिस तरीके से वीक थी तब भी ये अपने अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और 22780 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ही इसको सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट हुआ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस लेवल से 2100 से एक शार्प मूव आई, शार्प मूव आने के बाद एक रेंज के अंदर चला गया, तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, पिनन पैटर्न। ठीक है, और पिनन पैटर्न का जब ब्रेकआउट आता है तो हम लोग बाय कर लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस अराउंड ये जो प्रीवियस स्विंग लो था इसके 5-6 रुपये नीचे होता है क्लोजिंग बेसिस पे, और हम लोग अपनी बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर मैं इसके टारगेट्स के बारे में आप लोगों को बताऊं तो टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं, एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। सो फिबोनाची का एक्सटेंशन का जब मैं यूज़ करूँगा, टॉप टू बॉटम अप्रोच इसमें होती है, ये देख सकते हैं। जब मैंने फिबोनाची का यूज़ करा तो ये मुझे बता रहा है कि इसके जो टारगेट्स हैं, जो फर्स्ट टारगेट आता है वो टारगेट आता है प्रॉबेबली जो इसका प्रीवियस हाई होगा। ठीक है, जो कि ये लेवल है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है, ये लेवल, ये पहला है इसका टारगेट है। सेकंड टारगेट होगा इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हाईएस्ट लेवल आ रहा है 2500 का, सो प्रॉबेबली ये 2500 तक भी जा सकता है। ठीक है, आपको कब बाय करना है, आपको बाय करना है 2300 के आसपास, आप बाय कर रहे हो 10-12 रुपये ऊपर नीचे, और वहाँ पर आप अपने 2500 तक के टारगेट्स तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पिनन पैटर्न का डेली चार्ट पे ब्रेकआउट था, और यहाँ पर हमें जो एक कंफर्मेशन और मिली कि 35 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सपोर्ट ले रहा है और दे रहा है,
तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं सीधा मंथली चार्ट पे। अब मंथली चार्ट पे अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है पर्टिकुलर अपना स्टॉक। मैं इसकी ड्रॉइंग्स को हटा देता हूँ, ठीक है। या अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये देख सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है शेयर। इधर देखिए, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देख रहे हैं अपने लाइफ टाइम हाई पे ही ये स्टॉक अपना ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, सो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा, प्रीवियस टेस्टिंग भी करके बताऊंगा कि इवेंचुअली यहाँ पर ब्रेकआउट क्यों आ सकता है इस टाइम पे और ये नीचे क्यों नहीं जाएगा। इसके पीछे का पहले लॉजिक देखिए कि ये है टाइम जुलाई 2018, ठीक है, टू जुलाई 2018 का है ये हाई। उसके बाद हमने देखा एक शार्प फॉल आई, उसके बाद हमने दोबारा रिकवरी देखी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 10 महीने ये यही हाई बनाते रहा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये, 10 महीने 10 महीने तक इसके यही हाइस थे, उसके बाद दोबारा एक सेलिंग आ जाती थी और एक शार्प सेलिंग आई, दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर जाने के बाद हॉल्ट कर रहा है और अब इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को और अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा, और अच्छे से मैंने जूम करा तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो विक है, विक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर तो विक जा रही है बट क्लोजिंग नहीं हो रही है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं हो रही है। इवेंचुअली हमें यहाँ पर बॉडी की क्लोजिंग देखने को मिली 2 महीने पहले और उसके बाद हमने क्या देखा, एक दोबारा सेलिंग आई और आज के दिन इस महीने के अंदर हम लोगों ने दोबारा एक बाइंग देखी है और वो इस प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोज कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है और ये अपने हाई, लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करके ऊपर बढ़ सकता है। अब यहीं पर ही क्यों ब्रेकआउट आएगा, इसी लेवल पे क्यों आ सकता है, इसी महीने क्यों आ सकता है, उसके लिए हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर आप देखिएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये देखिए, सेम इधर भी यही हुआ था, एक शार्प मूव आई थी, ठीक है, एक शार्प मूव आई थी, उसके बाद हम देख रहे थे कि ये टाइम जो था ये था अराउंड अगस्त 2014, ठीक है, ये वाला जो है था। और ब्रेकआउट इसने कहाँ दिया था, इसने अराउंड ब्रेकआउट दिया था 2018 में, 4 साल बाद जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया था अपना। और ब्रेकआउट जब दिया था आप देख सकते हैं कि इतनी तेजी से शार्प रैली आई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, ठीक है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 100% का इसने रिटर्न दिया था। सो अब आप देख सकते हैं कि यही सिमिलर पैटर्न है, एक रैली आई, बहुत टाइम तक होल्ड कर गया, अब एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो इसी लेवल पे ब्रेकआउट क्यों आया और यहाँ पर भी इसी लेवल पे ब्रेकआउट क्यों आया, उसके लिए हम जो आपको मैंने सेकेंड इंडिकेटर बताया था उसका यूज करेंगे, वो है एमएसईडी, ठीक है। अब एमएसईडी में आप देखिएगा कि जब भी एमएसईडी के जो बार्स नीचे से पॉजिटिव साइड में आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट से रैली स्टार्ट होती है। ये लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आया, ये वो लेवल है जब नीचे से रेड कलर के बार्स ऊपर की तरफ बनना शुरू हुए थे, ग्रीन की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर एक रैली आना स्टार्ट हुई थी। सिमिलर इधर भी यहीं पर हो रहा है, अब बार्स छोटे हो गए हैं, अब यहाँ पर एक ऊपर की तरफ कैंडल बन रही है ग्रीन की तरफ और ये जो क्रॉस ओवर है ये क्रॉस ओवर भी हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर जाके ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा और ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करके नए हाईज बनाना शुरू कर देगा। सारे लॉजिक के हिसाब से आपको बताए गए हैं, कोई भी इस पे ऐसा नहीं था कि बिना लॉजिक के आप लोगों को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर अब हमें इसके टारगेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो टारगेट्स फाइंड करने के लिए मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले हम एक बार फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ये मैं इस पे यूज करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, फिबोनाची एक्सटेंशन का हमें यूज करना है इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से मैं फिबोनाची का एक्सटेंशन का यूज करा, जब ब्रेकआउट आया तो हमें पता चला कि 161 तक जाता है, पर मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए मंथली में, डेली चार्ट में तो हम लोग 161 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट मंथली चार्ट में बहुत टारगेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हम लोग 1.1272 पे ही अपने टारगेट्स को प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे,
तो सिमिलर अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक्सटेंशन, देखिए क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे शेयर है तो आप अपना टारगेट कैसे बताओगे? जब आपको टारगेट्स फाइंड करने होते हैं तो आप देखते हो कि प्रीवियस स्विंग हाई क्या था, उतना ही हम अपना टारगेट लेकर चलते हैं, या फिर प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस होता, बट हायर साइड में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम अपना उस हिसाब से टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमें टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये था ब्रेकआउट टाइम, इस लेवल से मैंने जोड़ा और मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ कर लिया है। फिबोनाची के एक्सटेंशन का यूज़ करने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारा जो टारगेट आता है वो टारगेट अराउंड आता है ये लेवल, ये लाइन है, ये लाइन हमारा टारगेट है जो कि बता रहे 2505। और अगर आपको डेली चार्ट पे याद होगा जो पिन एंड पैटर्न का टारगेट आ रहा था वो आ रहा था 2508 का, ऑलमोस्ट यही टारगेट आ रहा है। तो डेली चार्ट का अलग पैटर्न था, पिन एंड पैटर्न उसका टारगेट सेम बता रहा है, इसका पैटर्न का टारगेट भी सेम बता रहा है। ठीक है, तो अगर ये इवेंचुअली ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 2630 का, और जब वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 2800 का। ठीक है, तो आप लोग बाय कर रहे हैं अराउंड 2300 के आसपास, बाय पोजीशन बनाइए, वेट करिए, और ये इवेंचुअली ब्रेकआउट दे सकता है, बट मार्केट थोड़ी वीक है, मार्केट इनडिसाइसिव है, तो बहुत कॉशियसली काम करिएगा क्योंकि आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं और उसके बाद दोबारा ऊपर बढ़ सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वहां से एग्जिट करिए, दोबारा आपको अगर इसमें चांस मिले बाय करने का, आपके लेवल पे दोबारा आता है तो मैं कहूंगा आप दोबारा उस पर बाय बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो मैं अब स्टॉक पे ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अभी मार्केट थोड़ी वीक है तो ये भी वॉलेटाइल हो सकता है, बट इवेंचुअली इसके टारगेट इस महीने तक मुझे लगता है 2400 से अपसाइड में आ सकते हैं, सो आप इसको वॉच करके चल सकते हैं। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। 10% तक का रिटर्न ये प्रॉबेबली दे सकता है, और 9:15 पे 9:15 PM को आज मैं लाइव आने वाला हूँ और बताऊंगा कि मार्केट का क्या सिनेरियो रह सकता है, प्लस आपके जितने भी लाइव चैट के अंदर स्टॉक क्वेरीज होंगी, जो भी आपने स्टॉक बाय कर रखा है, अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं उन सब के चार्ट्स पे एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि बाय करना है या सेल करना है, कि आपको रखना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, 9:15 पे आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा कि मैं वहां पर आप लोगों के सामने लाइव आने वाला हूँ। सो हम लोग मिलते हैं एग्जैक्ट 9:15 पे अपने लाइव चैट पे, लाइव वीडियो पे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।